हाँ भाई, क्या भैया, वेलकम टू द फाइनल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टपाल दानेदार प्रेजेंट्स, एक और एक्स्ट्रा कवर। और आज हमने देखा वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि इंडिया जिस तरह स्वीप करता हुआ आ रहा है, इंडिया के बड़े चांसेस है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कि मशहूर है अपसेट करने में, और आज से नहीं पिछले 25 साल से हमें कुछ ज़्यादा ही करते रहे वो अपसेट, तो ऑस्ट्रेलिया ने आज भी, खैर अपसेट तो उसको नहीं कहेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद भी फाइनलिस्ट थी और जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे, नॉट अ सरप्राइज। तो आज की बात, आज के मैच के बारे में हम बात करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, रेगुलर पैनलिस्ट मलिक जहांगीर इकबाल और उमर खान, तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के लेजेंड और सुपरस्टार रुमन रईस। रुमन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज के फाइनल के बारे में रुमन आपसे ही स्टार्ट करते हैं, कैसे देखते हैं आप इस फाइनल? टू बी वेरी ऑनेस्ट जुनेद भाई, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ज़बरदस्त डोमिनेट किया। आई थिंक कि उन्होंने जो कंडीशंस को रीड किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था, कि उनका एक प्लान नज़र आया पूरा पूरे मैच में, कि उन्होंने, उनको पता था कि हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी है, कि पिच का बिहेवियर फर्स्ट इनिंग में अंडर द सन क्या होगा, अंडर द लाइट्स क्या होगा। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू मैनेजमेंट और कप्तान पैट कमिंस का जो डिसीजन था, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी टीम की वो अलग नज़र आई। और जिस तरीके से जब रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया था, आई थिंक उसने तो वही स्टार्ट लिया जो पूरे टूर्नामेंट में जिस फ्लो में खेल रहा था, लेकिन उसके लिए उन्होंने फिर भी प्लान किया कि उन्हें इस दफ़ा उनका कवर वाला फील्डर पीछे किया, फिर स्क्वायर लेग थोड़ा फाइनर किया कि उसको विद इन स्टम्प्स बॉल करें, ताकि वो जो शॉर्ट फ्लो में मारता है वो उसके रुकें। लेकिन स्टिल मैं क्रेडिट देता हूँ रोहित शर्मा को कि उसने काउंटर अटैक किया। लेकिन जैसे ही फिर जब मैक्सवेल को ब्रेव डिसीजन पैट कमिंस का, एंड ऑफ द पावर प्ले ओवर जो 10वां ओवर होता है, उसमें रोहित शर्मा ने उसको ऑलरेडी 12 रन कर दिए थे, लेकिन फिर भी उसने चांस लिया कि यार ये मारने जाए शायद आउट हो जाए, और वो चीज़ उनकी सक्सेसफुल हुई। और जिस तरह से वो कैच भी ट्रेविस हेड ने पकड़ा, वो बड़ा एक प्रेशर कैच था। आज तो दिन था ट्रेविस हेड, बिल्कुल ऐसा ही, बड़ा जबरदस्त उनका दिन रहा आज। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, कि वो वाकई ICC की एक बड़ी टीम है। जब भी कोई ICC का मेजर टूर्नामेंट होता है तो उनके रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कि वो 6 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो आई थिंक के सैल्यूट टू देम। अच्छा, इनफैक्ट जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तो एक फील्डर लॉन्ग पे लिया गया बाउंड्री की तरफ, तो रवि शास्त्री उसने उसी तरह बोला कि अब देखना शॉर्ट पिच आएगी और ये पुल करेगा, और वो ही हुआ, लेकिन बॉल आगे गिरी, बाउंस हो गया था। मगर यानी कि प्लानिंग प्रॉपर के साथ खेलते। मलिक साहब, आपका क्या कहना है आज के मैच के बारे में? देखें, वो कहते ना कि जब आपका दिन खराब होता ना तो ऊँट पे बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। तो इंडिया के साथ शुरू से ही बुरा हुआ, बुरे से बुरा टॉस हार गए। बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया पैट कमिंस ने, हालांकि विकेट वो माइकल वॉन के मुताबिक ड्राई नहीं थी, बहुत ज़्यादा ड्राई थी। तो उसमें यह था कि चलो रिवर्स स्विंग का चांस होगा। लेकिन अगर आप फेजेस वाइज भी देखें ना, हम लोग हमेशा कहते हैं क्रिकेट हमेशा फेज वाइज होता है, पावर प्ले का, सेकेंड पावर प्ले, थर्ड पावर प्ले, नई गेंद, पुरानी गेंद। इंडिया बहुत अच्छा खेला, जिस तरह रोहित शर्मा का एक ही काम है कि वो आके तगड़ा स्टार्ट दे, ऐसा स्टार्ट दे कि अगर आप 10-15 ओवर बीच में रोकते भी हो ना, फिर भी आप 300 आपको आराम से नजर आ रहा हो। वही सुनो, 10 ओवर में 81 रन थे जब 3 आउट थे आपके। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी दूसरी, KL राहुल की और विराट कोहली की, ये वही सीन हो गया जो पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया मैच में हुआ था। पाकिस्तान के भी 150 पे 2 थे, लेकिन पाकिस्तान का भी कंफर्टेबल नहीं था क्रीज पे। हमें पता था कि एक विकेट गिरेगी, इंडिया को पता था इनफैक्ट कि एक विकेट गिरेगी ये ढेर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को भी पता था कि जिस तरह से मरमरी उसमें खेल रहे हैं लोग, सर 18 ओवर जो खेले उन्होंने, 18 ओवर में से एक चौका मारा उन्होंने KL राहुल विराट कोहली ने, 67 रन बनाए 18 ओवर में। यहीं पे मैच जो है उन्होंने डब्बे में बंद कर दिया था। आपने स्लो खेलना होता है, पर इतना स्लो नहीं खेलना होता मेरा भाई। 10वें ओवर में अगर बाउंड्री लगी है तो बीच में एक बाउंड्री लगी, उसके बाद एक बाउंड्री लगी 39th ओवर में जब स्काई ने मारी आगे बाउंड्री। तो अगर आप 30 ओवर में वन डे में सिर्फ 2 बाउंड्रीज मारोगे और 2 चौके होंगे, रोहित शर्मा के बाद किसी ने छक्का भी नहीं मारा, हम छक्कों की बड़ी बात करते हैं, तो वहीं पे समझे उन्होंने आपके आपको कैद कर दिया। और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ मोमेंटम, कि एंड में जिसके साथ मोमेंटम है अगली बारी में भी वही ऊपर चढ़ के आएगा आपके। यही हुआ कि फिर गेंद रिवर्स होना शुरू हुई, तो पहले ओवर में हेजलवुड ने जो आउट कर दिया जडेजा को। उसके बाद स्काई साहब जो है बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आए, स्काई ऐसा लगता है मुरलीधरन बैटिंग कर रहा है, जो मुरलीधरन की शॉट्स होती है ना, मतलब कहीं भी बहुत ही बेतुकी बैटिंग कर रहा था। स्काई ने अपने वो जो उनके सिग्नेचर शॉट से खेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार-बार, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया सामने ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया दिमाग के साथ खेलते हैं, चैंपियन टीम है, उनको फाइनल जीतना आता है, फाइनल में पहुंचना ही नहीं, फाइनल जीतना भी उनको आता है। उन्होंने दबा के रख लिया। जब बैटिंग आई, हमें पता था कि भाई ऑस्ट्रेलिया का एक ही दिमाग है बैटिंग में, कि ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, इन दोनों ने जो है बगैर देखे हिटिंग करनी है। इनका काम तो प्रेशर से निकालना। डेविड वॉर्नर को हम ऐसा हिटर कंसिडर करते हैं, बट डेविड वॉर्नर पिछले साल 2 साल में चलाने वाला बन गया, अब इनको लेके चलता है। तो डेविड वॉर्नर, स्मिथ और लबुशैन, इनका काम तो होल्ड करना। मजे की बात यह कि 10 टेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, तो हमारे इसमें होता है ना कि जो
T20 में चल गया, उसको हर जगह ले आओ। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 10 टेस्ट प्लेयर हैं। मानस लबुशेन जिसको आप बहुत प्रेज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुखालफत हर जगह इसकी हो रही है, जिसको टीम में नहीं रखना चाहिए। अगर फाइनल में चांस हो तो मार्क स्टोनिस को दो, छक्के मार लेता है वो। लेकिन पता चलता है कि जो प्रेशर मैच होते हैं, नर्व का गेम होता है, तो टेस्ट प्लेयर जो होते हैं, जैसे डोमेस्टिक खेला हो, मैं हमेशा डोमेस्टिक की बात करता हूँ, जिसने डोमेस्टिक खेला उसको पता होता है कि मैंने इस टफ कंडीशन निकलना कैसे। ये मार्कस स्टोनिस होता है, ये आउट हो चुका था, ना खेल पाता। बट वहां पे एक प्लस पॉइंट क्या मिल गया इनको, प्लस पॉइंट ये मिल गया कि जब आपने 3 आउट कर लिए 47 में, नए बैट्समैन आए हुए हैं, ट्रेविस हेड को सकता चांस ही नहीं मिला था बैटिंग करने का, तो अल्लाह के बंदे स्पिनर क्यों लगा रहे हो आप? मोहम्मद सिराज जो आपका लीडिंग विकेट टेकर रहा है पूरे साल का, उसको क्यों, उस पर क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे आप? उसको आप 20-25 ओवर के बाद जाके ओवर दे रहे हो, तो उसका हौसला वैसे ही मर जाता है। एक बॉलर जो ओपनर ओपन करता है बॉलिंग में, उसको अगर आप 25 ओवर में गेंद पकड़ाओगे तो आधा तो वैसे ही मरा हुआ है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो वही कहते ना कि ऊंट पे बैठे कुत्ता काट लेता, तो हर फैसला ही रोहित शर्मा का इसमें गलत हुआ। आज बोला अनलकी साबित हुआ। जैन चीमा का मैसेज कमेंट आया, कमेंट्स ने वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 2 ODIs कैप्टन किए थे। रोमान भाई और जहांगीर ने काफी कवर कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से मैच ऑस्ट्रेलिया कल जीत गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो माइंड सेट और मेंटालिटी रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, जो भाई आपको याद होगा मैंने पहले कहा था कि 1,30,000 क्राउड डजंट मैटर, आप उसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक चौका मार के सबको खामोश कर दो। यही बात की कमिंस ने, और लिटरली उसने पूरा मैच ये काम किया। जब मैच शुरू हुआ इंडिया वर अहेड 80 रन थे पहले 10 ओवर में, रोहित शर्मा की विकेट के बाद आप सिर्फ वाहिद रोहित शर्मा 150 के स्ट्राइक रेट पे खेला, बाकी हर बैट्समैन 60-50, 50-60, कोहली वाहिद 50 किया उसने 85 के स्ट्राइक रेट पे। बाकी जब आप शेल में जाके क्रिकेट खेलोगे जहां आपकी 2 क्विक विकेट गिरेंगी आप रिकवर ही नहीं कर सकोगे, और एनीथिंग अंडर 270-80 वाज इजी टास्क। अलबत्ता जब शुरू में 3 आउट मिल गए, स्विंग हो रहा था, बुमराह ने शामी ने बहुत अच्छा गेंद किया। अब यहां आती है नर्व्स, जो क्राउड वाज लिट, जो 1,30,000 बंदा जागा एकदम से, बिल्कुल वहां 192 रन का स्टैंड फॉर द 4th विकेट। अब ये उनका गेम सेट था, अगर कोई और होता ब्लॉक में चला जाता। ट्रेविस हेड कैप्टन प्लेइंग शॉट, लबुशैन टेस्ट प्लेयर था जैसे जहांगीर ने कहा, रोटेट करता गया। और जडेजा और कुलदीप यादव के 20 ओवर में विकेट नहीं थी एंड दे केप्ट ऑन रोटेटिंग। और एक और चीज जो कमेंट्स की मुझे अच्छी लगी कि जब दे वर अंडर प्रेशर इंडिया, एक जगह से मेन बॉलर, दूसरे एंड से उसने 10 अपने पार्ट टाइम के निकाले, मैक्सवेल, मार्श, ट्रेविस हेड और ट्रेविस हेड, 10 ओवर में इन्होंने 44 रन दिए और एक आउट किया। On the part timers, I think in a World Cup final, that is game match. ये भी कि ऑस्ट्रेलिया 4 regular bowlers के साथ था, इंडिया 5 regular bowlers के साथ था। ये नुकसान हुआ इंडिया को पांड्या का ना होने का। हमने लास्ट मैच में बात की लगे इंडिया मैच जीता था कि पांड्या की कमी महसूस होगी, अश्विन की कमी महसूस हुई। हमने ये भी कहा था कि लास्ट अश्विन को खिलाना चाहिए। आप जडेजा पे इतना रिलाय नहीं कर सकते, टेस्ट में अगर अच्छा कर रहा है। सर अश्विन बहुत बड़ा बॉलर है, आपने पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया ने यह गलती की, अश्विन को नहीं खिलाया, खमियाजा भुगता, आज भी उसका आपने खमियाजा भुगत लिया। बाकी जो बात की ना आपने क्राउड की, जो पाकिस्तान मैच आ रहा था कि दिल्ली पाकिस्तान नहीं बजाना ऑल दैट, तब भी हमने कहा सर हम कराची में क्रिकेट खेलते हैं, रमजान क्रिकेट लियारी, मैच तक जब गेंद जीती ना तो तमाशे दो थप्पड़ ही मार देते हैं। मतलब सर हम लोग आदि होते हैं क्राउड प्रेशर हैंडल करने के, एक आम लेवल का जो हम गली में लेके खेलने वाला भी, बिल्कुल। तो इंटरनेशनल प्लेयर अगर बोले ना कि यार वो भाई बड़ा प्रेशर था ऑल दैट, तो समझ लें सर वो फिर बहाने कर रहा है। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का तो काम ही है कि आपने जिस सिचुएशन में जाना है, जैसे आपने बात की कि जब बड़ा मैच होता है ना तो वहाँ माइंडसेट और माइंड स्ट्रेंथ बहुत काम आती है। आप जितना काम रहेंगे उतने अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। आई थिंक कि जो आज सबसे बड़ा ब्लंड जो किया ना रोहित शर्मा ने, वो ये किया है कि सिराज से उन्होंने अटैक नहीं करवाया, क्योंकि आपकी जो एक कॉम्बिनेशन बनी हुई है कि शामी आता है 8वें 7वें ओवर में, जब उनसे नहीं आउट हो पा रहे तो तब वो आके डोमिनेट करता है। आज आपने अगर रियलाइज किया होगा कि शामी का स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा था, और शामी ऐसा बॉलर है जो थोड़ा सेमी न्यू से बेहतर करता है, क्योंकि वो सीम अच्छी हिट करता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक डिसीजन बड़ा हुआ। और दूसरी जो स्ट्राइक रोटेशन वाली आपने बात की, उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वनडे क्रिकेट टोटली डिफरेंट क्रिकेट है। लोग इसको T20 से कंपेयर करते हैं, जबकि मैच इसके अगेंस्ट हो, T20 एक अलग गेम है, वनडे इज जस्ट लाइक अ टेस्ट क्रिकेट। आपने फेसेस के अंदर खेलना पड़ता है, जहां आपको अगर जैसे रोहित शर्मा ने स्टार्ट दे दिया था तो हर किसी का माइंड ये बना था यार इंडिया 300 कर सकता है, लेकिन वही बात जब 10 ओवर के बाद पावर प्ले खत्म हुआ
तो दे आर सो स्लो, यानी वो स्ट्राइक रोटेशन नजर ही नहीं आएगी। 10 से 20 ओवर में 34 रन बने, उसके 20 से 30 में 40 रन बने, उसके बाद विकेटें गिरना शुरू हो गई। तो ये जो बात की ना आपने शामी वाली, और कहीं ना कहीं वो फेयर नजर आया कि यार अगर मैं आउट हो गया तो पीछे कुछ ना हो जाए, मैं आउट हो गया तो उसमें से वो टेल बहुत लंबी थी। पूरे वर्ल्ड कप मैं कह रहा था इनका मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है, ये अभी तक इनको प्रेशर आया नहीं है, जिस नॉकआउट में आ गया ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कि ये होना था, एक दिन तो बुरा आता है, वो जिस दिन सबसे ज्यादा काउंट करता है उसी दिन आ गया। भाई शामी की जो बात की ना उन्होंने, तो मुझे उस सिंधी का 9 क्लास का एक चैप्टर था जिसमें सोने की मुर्गी अंडा देती है ना, अच्छा, तो वो लालच में एक ही दफा अंडे निकाल लेता है। अब रोहित शर्मा को लगा होगा ये 20 के बाद आता है, इस कार्ड चार विकेट ले लेता है, तो उसको शुरू में ही लेता, शुरू में 4 विकेट निकाल ले, इस कार्ड खेलने का टाइम होता है यार। अच्छा वो काम कर गया था अपना, डेविड वार्नर को शुरू में उसने अपने पहले ओवर में ही निकाल दिया था, लेकिन आपने दूसरे का डंक मार दिया ना। मेरा इस पे ही कॉन्सेप्ट था, मैं अभी बात यही कर रहा था कि 5 बॉलर से आप खेल रहे हैं, हर किसी का एक रोल क्लेरिफाई होता है टीम में। Exactly. सिराज को और आपने बुमराह को जो रोल दिया हुआ पूरे टूर्नामेंट में 10 मैचों में, वो डिफरेंट था। आज सडनली चेंज हुआ होगा, डेफिनेटली फर्क पड़ता है एक प्लेयर के ऊपर। प्लस कि मैं समझता हूँ कि सिराज जितना अच्छा नए बॉल का बॉलर है, वो उतना अच्छा मिडिल ओवर्स और डेप्थ ओवर्स का बॉलर नहीं है एज कम्पेयर टू शामी। मेबी 9th ओवर में जब वो स्पिनर ले आए उस वक्त सिराज को लाना चाहिए। इतने बड़े मैच में कौन ओवर एक्सपेरिमेंट करता है, वो भी नाकाम। आप कहीं नाकाम हो रहे हो तो फिर अगले मैच में एक्सपेरिमेंट करते हो, आप कामयाब चले आ रहे हो तो किसने कहा था भाई कि स्टार्ट यहां से कर लो। एक चीज थोड़ी सी और जो मैं कंपैरिजन करूंगा रोहित शर्मा और पैट कमिंस का, जब रोहित शर्मा स्टार्ट हुए हिट करना, रोहली ने भी जब स्टार को 3 चौके लगाए तो आपने देखा होगा उसने फौरन T20 वाले कॉन्सेप्ट की फील्डिंग ले ली, थर्ड मैन भी ऊपर ले लिया, बैकवर्ड पॉइंट भी ले लिया, फाइन भी ऊपर ले लिया, तो उसने सामने की तरफ फील्ड बढ़ा ली। जबकि रोहित शर्मा वाली अभी जो मैंने कैप्टेंसी देखी उसमें मुझे यही एक चीज फील आई कि अगर ट्रेविस हेड अटैक कर रहा है तो इन्होंने फाइन लेग बहुत लेट बाद में जाके अंदर लिया। आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे कर दें, मिड विकेट पीछे कर दें और 2 फील्डर ऊपर लाके उनको विद इन स्टंप्स बॉल कर लेते, जो कि इंडिया ने थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में किया, लेकिन आज वो चीज शायद मुझे लगता है कि फाइनल के प्रेशर की वजह से वो माइंडसेट नहीं चला रोहित शर्मा का जो चल रहा था। जडेजा और कुलदीप यादव पे इन्होंने बात बिल्कुल की, इसी को मैं सेकंड करूंगा, अटैकिंग माइंडसेट था ही नहीं कुलदीप पे और जडेजा पे, आपने देखा स्लिप ही नहीं ली हुई थी, कम से कम 4 या 5 स्लिप से निकले, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो वही नेगेटिव, वो मैच को लंबा करने की कोशिश के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे गलतियां की, जो कि उनका बॉडी लैंग्वेज, अगर आप इंडिया रोहित शर्मा की एशिया कप की आपको याद होगा जब आसिफ का कैच छूटा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज सेम बॉडी लैंग्वेज उसकी हो गई थी जब इंडिया के आर्ट आउट शुरू में हो गए थे, बिल्कुल ऐसे वो कवर ही नहीं। हाँ, 3 जब विकेटें मिली उनको थोड़ी सांस में तो सांस पंप आता इंसान, और वहां भी स्टीवन स्मिथ आउट नहीं थे, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, रिव्यू नहीं लिया, हाँ, 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 तो रिव्यू ही नहीं लिया, वो नहीं लिया, वो शायद आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट बचा रहे। देखें 240 का टारगेट है, ठीक है, सामने ऑस्ट्रेलिया, आप गेंदों से नहीं हरा सकते इनको, yes, आउट, तो आउट करके हराओ। मैजिकल 241 वाज द टारगेट 2019, nice. क्योंकि आप अगर देखें ऑस्ट्रेलिया के जैसे स्किपर जो है पैट कमिंस, जब वो फर्स्ट चेंज में बॉलिंग करने आए, इतनी जबरदस्त उन्होंने पिच को असेस किया, कंडीशंस को, उसके स्ट्रेट अवे आते ही इन्होंने लेंथ बॉल्स पे कटर्स मारना शुरू किए, स्लो बाउंसर्स मारना शुरू किए, तो आई थिंक कि ये चीज जैसे जब देखा कि पिच थोड़ा स्लो है तो यहाँ तेज बाउंसर से इफेक्टिव स्लो बाउंसर होता है, तो जो कि बहुत देर में इंडिया ने वो चीज अप्लाई करी। अर्ली उन्होंने कोई चांस नहीं लिया कि 2 फील्डर पीछे ले जाते उसके हेड के ऊपर कोशिश करते। मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस पुल्स पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में बॉल थोड़ा डबल पेस आता है, तो उसमें थोड़ा चांस होता है कि आप अर्ली मारने जाओ तो टॉपेज लग के कैच का चांस होता, तो वो चीजें कुछ नजर नहीं आई जिसकी वजह से ये चीजें। रोमान, इसमें अगर हम ये कहें, आप इंटरनेशनल बॉलर आप बेहतर जानते होंगे कि अंडर लाइट जो है गेंद उतनी ज्यादा स्लो पेस नहीं देती जितनी तो स्लो बाउंसर उतना इफेक्टिव ना रहा होगा उनके लिए जितना पहली इनिंग्स में, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज कोई क्रॉस सीम बॉलिंग नजर नहीं आई कि चलो स्किट कर जाते हैं बीच से, क्योंकि समटाइम जब अंडर लाइट आप आते हैं क्रॉस सीम करते हैं तो बॉल स्किट करता है, अंडर लाइट घूमता भी ज्यादा है। एक चीज ये कि आप खुद वेरी डिसाइसिव विद योर स्लोअर वंस एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की अगर थ्रू आउट बात करें, वेर डू यू थिंक वी वेंट रॉन्ग, क्योंकि इन पर्टिकुलर हारिस रूफ, बिकॉज उन्होंने कटर अच्छी करते हैं, स्लो रन करते हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड कप नहीं की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे सारे बहुत अच्छे कुलीग्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, सारा कुछ है, बहुत अच्छे टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जो इनकी जो अपनी एक स्किल है उन्होंने इस दफा पूरी एग्जीक्यूट की है। आई डोंट नो कि शायद इंजरीज का मसला है, बॉडी फटीक है या क्या है, क्योंकि जिस तरह की डिसिप्लिन बॉलिंग इंडिया में आपको करनी थी वो हमने की नहीं। शाहीन का मैंने बहुत सारे एक्सक्रेटर से सुना कि उसका फ्रंट लेग जो है वो खुल रहा है जिसकी वजह से उसका इन स्विंग नहीं हो रहा है। अब मेरे पास मेरे पास शाहीन का नंबर नहीं है, वरना मैं जरूर उसको ये मैसेज करता कि शाहीन दूसरे तीसरे मैच मैंने चेक किया कि यार उसका अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा सा आउट है जिसकी वजह से उसका इन स्विंग नहीं हो रहा। किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का अगर फ्रंट लेंड अगर आपका सीधा नहीं गिरेगा
तो आपका इनस्विंग नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी पहले ही खुल जाएगी तो आपकी बॉडी इधर चली जाती है। और आप देखें 2019 की बॉलिंग की अलाइनमेंट और इस दफा 2023 की, क्यों? रीजन के नी इंजरी, उससे रिकवर होकर आया है। मैं यही नहीं कहूंगा कि उसने आउट नहीं किए, लेकिन इम्पैक्टफुल आउट नहीं किए, जो कि जिसको मैच जिताना आप कह सकते हैं, जिसकी हमें आदत है पहले ओवर में निकालना विकेट, वो बॉल मसल मेमोरी होती है। अगर आप इंजर्ड हो गया हो ना, आपको चोट लगी हुई है, आप ठीक भी हो जाओ फिर भी आप डर रहता है, क्योंकि मैं 2 साल इंजर्ड रहा हूं। जब मैंने कमबैक किया अपनी क्रिकेट में तो मेरे को ये फेयर रहा है और आज तक रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। के मतलब मुझे लगता है यार मैं ज्यादा पुश मार दूंगा तो कुछ मेरी कमर में ना हो जाए, मेरी नी में ना हो जाए, लेकिन एज ए प्रोफेशनल, एज ए एलीट, ये सब चीजें स्पोर्ट्समैन के साथ चलती है, तो हमें उसको फौरन मेंटल टफनेस के साइड देकर आपको उस चीजों से निकलना पड़ता है, वरना आपका करियर बहुत आउट। लेकिन कहीं ना कहीं देखे ना, पेस में भी फर्क आया शाहीन के, जहाँ वो 141-142 पे कंसिस्टेंटली करता था, 135-134 पे आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपने वसीम जूनियर की अगर बॉलिंग देखी हो तो उसने कॉन्स्टेंटली जो है वो विद इन स्टम्प्स बॉलिंग की है। देखिए सब कॉन्टिनेंट बड़ी मुश्किल कंडीशन है फास्ट बॉलर्स के लिए, आप अगर जरा सा भी लाइन से हटे तो आपको मार पड़नी पड़नी है, अंटिल अनलेस के आपके पास इतनी अच्छी रिवर्स स्विंग का आर्ट हो या आपके पास क्विक पेस हो। जैसे आप हारिस के पास पेस जरूर है, लेकिन हारिस ऑफ लाइन बहुत रहे कि जहां पहला बॉल किया तो आती पहली बॉल में बैट बॉल दिया, बैट्समैन उनको चौका मार, तो वो ओवर कम बैक करने के चक्कर में उनका पूरा स्पेल निकल गया। ओवर एफर्ट करने में हम बेसिक से हम बेसिक से हट गए। और आप अगर बात करें ऑस्ट्रेलियंस बॉलर की, जैसे आप देखें कि लेंथ जब दिखाई जाती है हॉकाई पे, तो कितने डिसिप्लिन लेंथ पे वो कंसिस्टेंटली एक जगह बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे आपने लास्ट सेमीफाइनल में देखा होगा क्विंटन डिकॉक को हेजलवुड ने कितना सीधा सीधा प्लान करके आउट किया, कंसिस्टेंटली 8-9 बॉल एक ही जगह पे बाहर निकाली निकाली निकाली, फ्रस्ट्रेशन हुई उसने चलाई और सीधा कैच हो गया। तो इसी तरह इंडिया ने भी 10 मैचों में बहुत आउट क्लास बॉलिंग की। उनको जाहिर है अपनी होम कंडीशन का एडवांटेज है कि उनको पता है कि हमने बॉलिंग कैसे करनी है, तो वो बड़े डिसिप्लिन है, उन्होंने विदिन स्टंप्स बॉलिंग की, जो स्विंग भी उनका फिनिश हो रहा था वो मिडिल स्टंप होता, लेकिन आज थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए, मे बी के चाहे प्रेशर है जिसकी वजह से। अगर फाइनल ईडन गार्डन या वानखेड़े में होता तो क्या रिजल्ट रहता? डिफरेंट सिचुएशन होती, बहुत डिफरेंट होती, ईडन गार्डन 400 मारता, ईडन गार्डन का नहीं, अगर वानखेड़े में होता तो इंडिया 400 मारता, लेकिन फिर आगे से तैयार रहता कि ऑस्ट्रेलिया 400 करने पे जाता वो कर देता, जब वानखेड़े कंप्लीटली बैटिंग ट्रैक वहां का, तो एवरेज स्कोर जुनेद भाई 300 वानखेड़े का कोने वाला पीला विकेट है वो 180 वाला, वो टर्निंग विकेट जो है बिल्कुल ऐसे। और अगर ईडन गार्डन में होता तो ऑब्वियसली के थोड़ा स्लो पिच है, टर्न होता है, ग्रिप होता है, तो वो शायद लो स्कोरिंग मैच होता। पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने हर दिल्ली के एग्जांपल लूं, एवरेज स्कोर 200-220 था, नया स्ट्रिप डाला उस पे 400 रन बने, ऐसे ही दे ट्रिक। अब रोमान भाई साथ हैं, लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के आप पार्ट थे, सेमीफाइनल में बड़ा क्रूशियल रोल था, तो प्रेशर हैंडलिंग की बात करते हैं, तो आप जरा एक फर्स्ट साइड इनसाइड व्यू बताएं कि व्हाट वाज दैट सिचुएशन। देखिए उसमें तो बिल्कुल ऐसा ही है, सेमीफाइनल में तो क्योंकि जब टीम में था भी नहीं मैं, तो बाप भाई जब इंजर्ड हुए तो मुझे एज ए रिप्लेसमेंट उनके रखा गया, फिर मैं 2 मैच नहीं खेला, फिर जब मैं सेमीफाइनल भी नहीं खेलता क्योंकि आमिर भाई को बैक स्पैज़म हुआ, तो जिसकी वजह से मुझे सुबह 1 घंटे पहले बताया गया कि अब आप इनकी रिप्लेसमेंट है, इनसे बॉल नहीं हो रहा है तो इनको हम रेस्ट देंगे ताकि ये फाइनल तक प्रिपेयर हो जाए अगर हम जीत जाते हैं तो बस वो 1 घंटे पहले मुझे प्रिपरेशन का टाइम मिला प्रॉपर, और बस 1 घंटे पहले क्वाला इंडिया से मैच आ जाओ, जुनेद भाई मेरा ओडीआई डेब्यू था, वो सोचे और इंपॉर्टेंट चीज थी, और प्लेटफॉर्म आईसीसी इवेंट का, इंग्लैंड जो कि अनबीटन टीम थी, फेवरेट थी, हर मैच में वो 365 करते क्योंकि उस वक्त जॉनी ब्रेस्टो और एलेक्स हेल्स बहुत फॉर्म में थे, जॉय रूट भी, यस मैंने पहला ब्रेक थ्रू दिया था पाकिस्तान को, तो वो बस मैंने मेरा माइंडसेट ये था कि मैंने कुछ नहीं सोचना, जिस तरह मैं आज तक क्रिकेट खेलता आया हूँ, जो मेरी अपनी स्ट्रेंथ है, जो मेरी स्किल है, मैं सामने वाले बैट्समैन को नहीं देखूंगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे पता है कि मेरी गुड लेंथ पे बॉल अच्छा गिरता है, मेरा स्विंग इन स्विंग होता है, तो मैंने उस चीज़ पर रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मैंने अप्लाई की, इंप्लीमेंट की, उससे मुझे सक्सेस मिला और काफ़ी उसकी वजह से मुझे फाइनल, फिर फाइनल का एटमॉस्फेयर क्या था? फाइनल जैसे आज अहमदाबाद में क्राउड था ड्रेसिंग रूम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जब वहाँ पे ओवल पे फाइनल खेले थे तो 85-90% इंडियंस थे, इवन कि जब हमने 334 कर भी दिया था ना, तब भी दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो चेस कर लेंगे क्योंकि इंडियन चेस करने में काफी अच्छे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में लाइव इस तरह का स्पेल नहीं देखा जिस तरह का मोहम्मद आमिर, जबकि वो 3 विकेट थी, लेकिन इसने टॉप ऑर्डर प्लेयर्स उनके जो सबसे ज्यादा पीक फॉर्म पे थे उस वक्त, विराट कोहली बहुत पीक पे थे, हरीश शर्मा, शिखर धवन, और कैच ड्रॉप के बाद उस वक्त एकदम फिर हम लोग लेट डाउन हुए, लेकिन जब अगेन आमिर ने सेम बॉल किया और उस तरह वो क्रॉस मारने का कोहली और जिस तरह शादाब ने कैच लिया, तो वो एनवायरमेंट मैं भूल नहीं सकता, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। रोमान मैं और मेरे बड़े भाई आपके बड़े फैन हैं, थैंक यू सो मच सर। अच्छा एक चीज है, पाकिस्तान के पास बड़े तेज पेस वाले बॉलर्स आते हैं, यॉर्कर्स वाले भी आते हैं, आपके आने का ना हम लोग इसलिए बड़ी खुशी थी कि एक चलाक बॉलर आया क्या जो फंसा के मारेगा,
मोहम्मद आसिफ था चलाक बॉलर, फिर रोमन रईस है, ये चेंज ऑफ पेस मारता है, यॉर्कर बड़ा अच्छे मारते हैं, डेथ पे आप डिसाइसिव बॉलर, वेरी डिसाइसिव बॉलर, अनफॉर्चुनेटली इंजरी या उसने जो है बड़ा तकलीफ दी, आपको भी दी और आपके फैंस को भी दी, यार इस तरफ क्यों नहीं आते पाकिस्तानी, हमेशा से जड़े क्यों मारनी है, चलाक दिमाग इस्तेमाल करने फास्ट बॉलर क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड, देखें आपके पास अगर पेस है, आपके पास स्विंग है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आपके पास बॉलिंग का माइंड नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपकी सक्सेस रेट कम होगी, क्योंकि अब मॉडर्न डे क्रिकेट में इतनी शॉट्स आ गई हैं, इतनी शॉट्स लोगों ने डेवलप कर ली है कि यू हैव टू बी 4 or 5 वेरिएशन इन द 6 बॉल्स, तो ये बहुत जरूरी होता है, और स्पेशली जैसा बैट्समैन का सामने आप खड़ा हो एज ए बॉलर, आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ता है बैट्समैन से उसको टैकल करने के लिए, क्योंकि अगर आप जैसे अब तो एबी डिविलियर्स जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ट्रेवर सैड इतनी अच्छी बॉल को भी इतने आराम से उसने कट मारे, इतनी आराम से उसने ऑन दी अप शॉट मारे, तो आई थिंक कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है और मेंटली बहुत क्लियर होना पड़ता है कि जो आप कमिट करके भाग रहे हो वो वहां डिलीवर करो, ये ना हो गया एंड लास्ट मोमेंट पे यार यॉर्कर का मूड था स्लो वन कर दी, तो उसमें फिर आप बाद में यही रिग्रेट करते हो यार मैंने क्यों नहीं किया। तो यंगस्टर्स को यही बात कहता हूं हमेशा कि अपना माइंड क्लियर रखो, जो कमिट करके भागे हो वो डिलीवर करो, फिर उसके बाद रिजल्ट बाद में आता है, हमें पहले लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना चाहिए ताकि हमारी चीजें बेहतर हो। हमारी अगर फॉर एग्जांपल टॉप ऑर्डर नहीं चला तो हम साइकोलॉजिकली इतनी जल्दी कैसे गिर जाते हैं, मतलब सारा हम दूसरी टीम्स का देखते हैं मेंटेन रहता है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इवन साउथ अफ्रीका हो गई, मेंटेन करके चलते हैं, हमारा अगर टॉप ऑर्डर जाता है हमारा मिड ऑर्डर फौरन हार मान जाता है, साइकोलॉजिकली अब मैच हमने नोटिस किया है बॉडी लैंग्वेज हो सकता है मेरा कोई सजेशन चला जाए और पूछ बेहतरी आ जाए, हमारे प्लेयर्स सबसे पहले तो इनसिक्योर बहुत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी बात का कोई बुरा ना माने जो भी सुन रहे, हमें ये लगता है कि यार हम 2 मैच नहीं करेंगे 3 मैच नहीं करेंगे तो हम फेल होंगे तो हम टीम से बाहर हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पूरे सिस्टम का। सिस्टम को चाहिए कि जो से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो भी सेलेक्टर्स हैं, जो भी जो टीम मैनेजमेंट है, वो प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करे। कोई भी टीम जब आप बनाते हैं, जैसे अभी मैंने सुना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकी पॉन्टिंग भी आज बोले थे कमेंटर के, ऑस्ट्रेलियन टीम को बनने में 4 साल लगा है, तो टाइम देना पड़ता है आपको, आप पहले से एक प्लान बनाते हैं यार हमें 4 साल के बाद वर्ल्ड कप खेलना है, हमें 2 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप, हमारी मेन स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हमारी बैक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, तो आई थिंक सिस्टम और प्लेयर्स को मिलके सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, अपने 25 का एक बैच बनाना पड़ेगा, ए और बी टीम्स बनानी पड़ेंगी, हमारी जो अपनी ए टीम है पाकिस्तान की वो बी सी टीम से भी खेल रही होती है और ए टीम जब आती है तो मांग नीचे लेट डाउन कर जाते हैं, तो आई थिंक हमें थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट के साथ भी जाना चाहिए कि यार फॉर्मेट की टीमें अलग हो, क्योंकि आपने वर्कलोड मैनेज करना है, क्योंकि इतनी क्रिकेट हो गई है मतलब वर्ल्ड में कि लीग्स भी खेलनी है आपने, काउंटीज भी खेलने हैं आपने, टेस्ट के अंदर अब जैसे शाहीन हारिस नसीम इनको क्या लॉस हो रहा है, इतना वर्कलोड मैनेज नहीं हो पा रहा कि ये अपनी टीम को अपने मुल्क को वर्ल्ड कप में पूरा थ्रू आउट उस तरह से 100% नहीं दे पा रहे जो कि देना चाहिए। और ये फिर बात इसी तरह बैट्समैन की अगर मैं बात करूं, जिस तरह का आपको सवाल था, तो हमें जब तक ये क्लैरिटी ना मिले कि यार आपका पूरा वर्ल्ड कप है, आप फेयर और फेलियर से मत डरना, आप फेयरलेस खेलो, रूथलेस क्रिकेट खेलो, भले हम 150 पे आउट हो जाएं, लेकिन हमें इंटेंट अच्छी रखनी है, हमारा माइंडसेट जब तक ये नहीं बनेगा तब तक हम ये चीजें चेंज ब्रांड बनाना है बेसिकली अपने मतलब जॉब सिक्योरिटी और फिर रोल की क्लेरिफिकेशन। जैसे हमने बहुत दफा भी इस वर्ल्ड कप में देखा कि सऊद शकील एक अच्छा प्लेयर हमें मिला जो मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेशन भी कर रहा है, एंगल्स बनाता है अपने बाउंड्रीज के, वो एंगल्स खुद ढूंढ लेता है, हमने क्या किया, हमने अच्छे क्रुशियल मैच में इफ्तिखार को लाके फंसा दिया जबकि वो स्पिनर्स इतना अच्छा नहीं खेलता। तो भाई अगर इफ्तिखार आपके पास वो स्ट्रेंथ है जो आखिरी 15 ओवर में या 10 ओवर में आपको एक बूस्ट दे सकती है 10 रन के एवरेज का, तो आपने उसको रोल क्लेरिफाई करके उसको बताना है। तो आई थिंक ये चीजें क्लेरिफाई होना, अब जाहिर है ये थिंक टैंक बैठा हुआ है वो हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन है क्या कंडीशन है, लेकिन हमें इस पर सोचना पड़ेगा जुनैद भाई, वरना देखें दुनिया अचीव कर रही है 400 रन कंसिस्टेंटली 10 out of 7 टाइम्स, हम 350 भी जो है ना वो 10 out of 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि हम वैसे ही 70 रन पीछे वाली क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले कोई 2.5-3 सालों से, हमें ये शिफ्ट करना पड़ेगा गियर अपना, वरना हम आगे डोमिनेट नहीं कर सकते, लोग हम पे ही डोमिनेट करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह बात नहीं होगी जिस तरह जैसे रोमन भाई ने बोला कि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, वर्कलोड ज्यादा है, हम देखते थे एक जमाने में मैनचेस्टर यूनाइटेड में बेकहम भी खेल रहा है, कोल्स भी खेल रहा है सर, मगर एज अ नेशनल जब वो नेशनल टीम में खेलते हैं तो वो परफॉर्मेंस ही निकल पाती, वर्कलोड क्योंकि इतनी लीग्स खेल रहे हैं। और लीग्स की अगर बात करें तो अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आज परसों मेरी फ्लाइट है इंशाल्लाह दुबई की, क्योंकि अबू धाबी में बंगला T10 हो रहा है और वहां पे बंगला टाइगर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं उनका बस आपको फिर मुलाकात होती है, मैं भी जा रहा हूं टीम अबू धाबी से। अरे वाह जबरदस्त, मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
माशाल्लाह। तो बांग्ला टाइगर्स का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपका भाई बनाएगा, तो आप लोगों ने देखना है। तो टीम में साई मयूब भी है, इफ्ती चाचू भी हैं, अच्छा हैदर अली भी हैं, आजम खान भी हैं, अच्छा शकीबुल हसन कैप्टन भी हैं। तो ये लोग अभी वर्ल्ड कप खेल, मतलब इसमें से आधे लोग जो हमने नाम लिए हैं अभी वर्ल्ड कप खेल और सीधा फ्लाइट पर। अब आप मुझे बताएं ना, टी20 सीरीज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। अब आप मुझे बताएं ना, देखिए अब ये लड़के ऑलरेडी हमारा डोमेस्टिक सीजन खेल रहे थे। अब जैसे साइम हो गया, साइम तो खैर होपफुली मेरी बेस्ट विश है कि वो अभी शायद ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी चला जाए इंशाल्लाह। तो मतलब रिकवरी सेशन कहीं है ही नहीं। आपने अभी मैं सुन रहा था पेविलियन दी आस्क पेविलियन प्रोग्राम में कि शुएब मलिक बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहा था कि प्लेयर्स को अपनी इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए कि यार हम अगर हमारे पास सीजन बहुत लंबा है तो हमने उसको कैसे अपनी बॉडी को टेक केयर करना है। हमें खुद ये होना चाहिए यार कि चार मैच मेरे हो गए, आई थिंक मेरी बॉडी अभी कह रही है कि मैं अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो मुझे एक मैच का रेस्ट दो। ये तब होगा जब इनसिक्योरिटी नहीं होगी आपको अपने स्पॉट की। तो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा बहुत नुकसान होगा एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट टीम। हमें ये चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। T10 का आपने जिक्र किया जी, तो आप क्या प्लानिंग है? उस दिन वसीम भाई आए हुए थे, उनसे भी मैं पूछ रहा था कि ऐसी बदतमीजी वाली क्रिकेट हो गई, मतलब एक ओवर में 24-28 रन तो आम नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसे ही। एज अ बॉलर किस तरह से बचेंगे, कोई कुछ भी कर ले आड़े टेढ़े शॉट? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं डेक्कन ग्लेडिएटर से खेला था आज से 2 साल पहले, तो हम चैंपियन हुए थे, वहाब भाई उस टीम में कप्तान थे, और मैंने 4 मैच खेले थे। पहले मैच में तो मुझे 2 भी वेरी समझ ही नहीं आया, तो मुझे भी 2 ओवर में 28-30 रन पड़े। मैंने कहा वहाब भाई इसमें बॉलिंग करनी क्या है, मैं तो नॉर्मल लेंथ बॉल करके आगे, उसने आते ही पहली ओवर पर चला दी। कह रहे हैं भाई यहाँ आपको इतना स्मार्ट बिहेव करना पड़ता है एज ए बॉलर कि अगर आपका बस चलता ना पहला बॉल ही वाइड ओवर कर दो, पहला बॉल ही आप स्लो बाउंसर कर दो, तो आप इसमें नॉर्मल वाली क्रिकेट वाली बॉलिंग नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अ टेप बॉल क्रिकेट के बैट्समैन खड़ा ही मारने के लिए, तो आपको इतनी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 10 रन का ओवर, 8 रन का ओवर करके निकले। तो आई थिंक ये बहुत बदतमीजी वाली क्रिकेट आपने सही लफ्ज़ दिया, और होपफुली कि ये सीजन अच्छा। अच्छा अगर एक ही बैट्समैन या एक ही बॉलर इतने सारे डिफरेंट फॉर्मेट से गुजर रहा है तो एंड में तो फिर वो खिचड़ी पक गई बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहले आपने भी शुएब मलिक साहब का नाम लिया, सर शुएब मलिक साहब नेशनल T20 में जा रहे हैं, T10 को छोड़ के नेशनल T20 में जा रहे हैं, इसका मतलब है वो खुद को पाकिस्तान की T20 सेट के लिए अवेलेबल बता रहे हैं। शुएब मलिक साहब आ रहे हैं टीम में अभी तक। हाँ जी अभी तक नंबर सर मैं स्कूल में था, उन्होंने डेब्यू किया था मेरा बच्चा, मेरा मैं स्कूल का जब मैं दाखिल करवाने अबू गए थे वापसी पसंद का मैच लगा था, नया खड़िया था, मैंने पूछा अबू जी कौन है, कहते जस्ट लाइक सेकंड पूछता क्या की जगह आया शोएब मलिक के। तो ये सीन है, हम बाल बच्चेदार हो गए वो भी तक शहजाद रहे हैं पाकिस्तान। दूसरा आपने बात की इफ्तिखार अहमद साहब की, स्पिन नहीं खेल सकते, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर वो स्पिन नहीं खेल सकते वो टीम में क्यों है? ट्रू, आपको आपने उसको शुरू से बता दिया कि हमारा फिनिशर है 5वें 6वें नंबर पे आएगा, वो सारी अगर मुझे पता है, मतलब सारी दुनिया को पता है कि वो स्पिन नहीं खेल सकते, और जब भी स्पिन आया पहले ओवर में आउट हो गए, वो टीम में क्यों थे भाई? टीम सिलेक्शन में प्लानिंग क्या थी? आप पिछले 8-10 साल में एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं बना सके? हम तो न्यूजीलैंड तो है नहीं कि हम 20-25 लोग हैं यार, अगर यार बदले टीम में आ जाएंगे घर का काम कोई नहीं बचेगा, 25 करोड़ है खत्म होने में नहीं आते हम लोग। सर यही सारा बात है, सिस्टम हमारा कहीं कर रहे हैं चीजों में, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास अब्दुल रजाक के बाद एक ऑलराउंडर की हमें होप मिली थी कि फहीम अशरफ एक अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन हम उस पर उतना ट्रस्ट ही नहीं करते। हम उसको कभी 2 सीरीज देते हैं फिर गायब कर देते हैं, फिर 2 सीरीज देते हैं। आमिर यामीन गुड ऑलराउंडर, उसका पहले ही डेब्यू मैच में एज ए ऑलराउंडर मैन ऑफ द मैच है, लेकिन आज तक उसको हमने प्रॉपर खुल के मौका नहीं दिया। अनवर अली को हम बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन अनवर अली को हमने यूटिलाइज नहीं किया। श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था अभी, उसका भी यही था जमाल, वो भी आमिर जमाल आप देखें वो वनडे की टीम में नहीं है, इतना अच्छा बॉलर, स्किलफुल बॉलर, इतना तगड़ा फिटनेस भी उसकी इतनी अच्छी है, और बिल्कुल ऐसे ही 8 रन या 9 रन चाहिए थे उसने हमें वर्ल्ड कप, 15 रन चाहिए थे, छक्का मार दिया, 8 रन तो बचा लिए उसे यॉर्कर मार के, अच्छा यॉर्कर मार सकता है वो। तो आप सही कह रहे हैं कि प्लानिंग हमारी उस तरह से लेवल की नहीं है, हम ये समझते हैं ये प्लेयर अच्छा है इसको ले जाओ, लेकिन ये चला था उसकी दोस्ती नहीं होगी ना अभी, अभी दोस्ती नहीं होगी। और आप अगर अफगानिस्तान की बात करें जुनैद भाई, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में नजर आया कि यार उनकी इंप्रूवमेंट आई है। पहले वो टीम 200-230 करती थी, अब वो टीम 300 करने लगी, तो होपफुली कि वो आगे जाके 350 पे भी चले जाएं। और उन्होंने अपने जितने भी मैचेस जीते हैं बड़े इजीली मैचेस जीते हैं, रनिंग नजर आई है और अपसेट्स की, रेड शॉट मार के आउट हो जाते थे गुरबाज या इब्राहिम जादरान, लेकिन उनकी एक नजर आई प्लानिंग। और क्रेडिट गोज टू जोनाथन ट्रॉट कि जिसने उनका कॉन्सेप्ट चेंज किया, ये माइंड बनाया कि वनडे क्रिकेट में आपको टेम्परामेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक चाहिए। तो आई थिंक ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ गया, पाकिस्तान के पास बताए उमर सेंचुरी मार गया था सर। अच्छा खैर ये बात तो चलती रही, उन्होंने ये बताया कि जब टेस्ट मैच में
टी ब्रेक होता है तो वाकई चाय पिलाई जाती है या क्या चल रहा होता है? नहीं नहीं चाय पिलाई जाती है बिल्कुल, चाय जरूरी भी होती है क्योंकि हम तो कराची वाले तो चाय तो मेरे लिए मस्ट है। लेकिन अब मुझे टू बी वेरी इंजरी मेरी 2018 में हुई थी, तो लास्ट सीजन जो मैं 4 डे क्रिकेट का खेल रहा हूँ जिसमें सेशन आते हैं लंच और टी वगैरह, तो वो बड़ा टाइम हो गया वो चीज़ को एक्सपीरियंस किए हुए। क्योंकि जब से मेरी इंजरी हुई है जुनैद भाई डॉक्टर्स ने यही एडवाइस किया था कि आप पहले तो क्रिकेट ही मना कर दी थी, लेकिन फिर मैंने अपने जो जेसन पिलग्रम वेस्ट इंडीज के जो हमारे फिजियो हैं तो उन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी फिजियो हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ी होप दी, मुझे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताई, मैंने उनके साथ काम किया पूरे 6 महीने। और डॉक्टर जफर होते हैं क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल टीम के जो फिजियो हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा रिहैब प्लान दिया, जब मैंने उसको अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेट में आ गया हूँ वापस। तो अब मैंने एक फॉर्मेट चूज कर लिया कि या तो मैं सिर्फ T20 खेलूंगा या T10 खेलूंगा। रीजन कि मुझे पता है कि मेरी एज अब 33 हो गई है और मैं उस तरह से अब अपना वन डे क्रिकेट में टाइम नहीं सकता ना, क्योंकि मेरी फटीग का इशू है। मैं जरा सा वर्कलोड अपने ऊपर डालता तो मुझे बैक स्पैज़म आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक मैंने बड़ा क्लियर कर लिया अपने माइंड को कि जितनी भी क्रिकेट खेलनी है अब इन्जॉय करनी है और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ट करने की कोशिश करनी है। तो वो ऑब्सेशन जो है ना चाय वाला वो थोड़ा सा मिस करता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग चाय मिस करें एक और कप मंगवा दो। बिल्कुल बिल्कुल जुनैद भाई, देखिए टेस्टिंग जो है ना प्लेयर की, मैं ये समझता हूँ चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो बैट्समैन हो, 4 डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट। आपको आपके पेशेंस का पता चलता है, आपको आपकी स्किल इंप्रूव करने का पता चलता है। अब आप वन डे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में आप चीजें नहीं सीख सकते। वन डे टेस्ट में आपके पास इतना टाइम होता है कि अगर आपका स्पेल पहला बुरा हुआ है तो आप दूसरे में कमबैक कर सकते हो। आपको पता चलता है यार मेरा मेन स्ट्रेंथ क्या है, मेरी इनस्विंग अच्छी है, मेरी आउटस्विंग अच्छी है। आप अपनी स्किल्स उसी मैच के अंदर सब चीज सीख के आप डेवलप कर सकते हो अगले मैच में, क्योंकि आपके पास टाइम होता है सोचने का। बैट्समैन को टेम्परामेंट यार विकेट पे टाइम कैसे गुजारना है, स्पिनर्स के पास कंट्रोल कि यार हमने अच्छी स्पिन कैसे करनी है। देखिए T20 फॉर्मेट ने हमारे स्पिनर्स को बड़ा, मैं मेरा लव शायद बुरा निकले, खराब कर दिया है। अब अगर हम शादाब की बात करें तो शादाब जब तक 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेगा तो उसको अपना कंट्रोल नहीं आएगा, स्पिन हमसे नहीं हो रही है। नवाज बहुत अच्छा बॉलर था, शॉर्टर फॉर्मेट खेल खेल के 95-94 की ही पेस पे बॉल किया जा रहा है, अब उससे 82 पे बॉल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंगल बन गया, मसल मेमोरी बन गई तेज करने की। तो आई थिंक ये चीजें बहुत हमें देखनी पड़ेंगी और तभी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और हम चाहते हैं एज ए पाकिस्तानी सब के हमारी क्रिकेट जो है वो आगे इम्प्रूव करें और हम वर्ल्ड में डोमिनेट करें। इतने बुरे मामलात के बावजूद भी अगर हम कंपटीशन में सबको मतलब टफ टाइम देते हैं तो मतलब ये क्रेडिट जाता है लड़कों का हमारे। लेकिन इन दी एंड हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक कमेंट मेरे पास आया है आपके लिए खास तौर पर, साद उस्मानी है कैनेडा से, वो कह रहे हैं कि आप he is one of the few bowlers who knows how to bowl a last over, so big fan from canada. thank you so much sir. aur bilkul aisa hi hai kyunki jaise meri jo agar main journey ki baat karu to sari zindagi maine jo hai wo tape ball bahut khela hai, to mujhe yorkers ka mera naturally muscle memory mein bahut ye hai ki meri strength hai wo, aur jab jis bowler ki yorker achhi hoti hai to uske maar khane ke chances kam hote hain. jaise just like aap malinga ki baat kare, bumrah ki baat kare, even wasim bhai wakar bhai ki baat kare ki halki si bhi reverse hui yorker agar aapka acha hai to आप बच जाते हो। उसके बाद अगर आपके पास वेरिएशन है तो वो आप बैट्समैन को डिसीव करने के लिए आपको बड़ा हेल्प करती है। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत टफ जॉब है डेप्थ ओवर्स करना और उसके लिए आपको बहुत ही कामनेस चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन करने के लिए। आप ये फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते कि यार बैट्समैन आपको तुल के खड़ा हुआ और आपने आगे हल्की सी भी लाइन मिस करी तो आपको पता छक्का लगना है। तो आपने क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है माइंड में। विकेट के बाद इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मैंने बहुत ज्यादा टेनिस बिल्कुल टेप बॉल क्रिकेट खेली है। टेप बॉल क्रिकेट होती है 8 ओवर की थी, 8 ओवर, 6 ओवर, पहला ओवर ही डेढ़ ओवर होता है। बिल्कुल ऐसे वो इतनी खत मतलब कौन सी बंदा कुछ बोले उसको, उसमें सिर्फ सिर्फ यॉर्कर में ही आपकी बचत बचत है। ऐसे ऐसे बल्ले और बैट्समैन आ गए ना, सो सिर्फ फ्लिक करते हैं। मैं तो एंजॉय करता हूं फैसलाबाद की जो कमेंट्री हो रही होती है ना टेप बॉल की, पंजाब का टेनिस ये सारे खेल रहे होते हैं, स्ट्रांग है पंजाब का। और खेलते हैं भाई ये सारे हमारे आसिफ अली फहीम अशरफ रेगुलर, सब रेगुलर खेलते हैं। बड़ा आज हम मैं वही कमेंट्स देख रहा था, हमारे नॉर्मली 90% ऑडियंस इंडियन ऑडियंस होती है। आज सर एक सर, ना सर, सर, सर आज भाई, आज कहा सर, आज कहा 1,30,000 खामोश हो गए इनकी काम आज निकलेगी। सारे नाम दानिश तनवीर यही, वरना नॉर्मली जो है वो जो अगर आप सिर्फ नाम ही पढ़ो तो वो सिर्फ इंडिया। नहीं मैं सिर्फ रमेश सुरेश मुकेश सबको ये कहना चाहूंगा आप स्टार स्पोर्ट्स रात में लगाइएगा, इंडिया वहां पे वर्ल्ड कप। लेकिन सर एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग ही बन गई थी इंडियंस के साथ, मजा आ रहा था, बैंटर चल रहा था, मजे का। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इंडियन जो हमारी इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए मैं यही बात करना चाहूँगा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इंडिया ने
बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट और देखें ये हार जीत खेल का हिस्सा है और डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा हंगामा ना करें जिससे किसी को नुकसान हो. सो एक्सेप्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली है और कहीं ना कहीं इंडियंस ने आज मिस्टेक की है जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं जीत सके और मूव ऑन यही कह सकते हैं. अच्छा रोमन भाई, इसमें ना मजे की बात ये कि लास्ट मैच में नहीं कहा था कि इंडिया का वर्ल्ड कप है, हारा तो इंडिया हारेगा. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है. अगर 1983 की हम बात करें ना तो हम तुक्का कह सकते हैं कि इंडिया चैंपियंस की तरह नहीं आया था और चैंपियंस उसके जीतने के बाद भी चैंपियन नहीं बना कोई मजे का. 92 पाकिस्तान वर्ल्ड कप, पाकिस्तान चैंपियन की तरह नहीं आया, जीतने के बाद कोई तगड़ा चैंपियन नहीं बना. 96 श्रीलंका, ये सब तुक्के थे तीनों. ये जो वर्ल्ड कप था ना, लग रहा था इंडिया ने तैयारी की, तैयारी की जिस तरह से मारा है टीमों को, मतलब कहीं मुकाबला आए आने नहीं दिया ना. ये इंडिया का वर्ल्ड कप था, अगर हारा तो इंडिया बहुत बड़ा गेम हारेगा. ये जिस तरह अगर हम देखें 92 में न्यूजीलैंड स्वीप करता हुआ आ रहा था और हमसे राउंड मैच भी हारा और सेमीफाइनल भी हारा. एक कमेंट नजर आया था कि आई एम श्योर आज इंडिया वैसे ही फील करोगा जिस तरह पाकिस्तान 99 में फील कर रहा था. वी वर द फेवरेट. एग्री. यप. एग्री. और वो ऑस्ट्रेलिया ही थी. लेकिन लेकिन यहाँ कम से कम इंडिया ने ना मौका दिया कि एक उनको शोर मचाने का मौका दिया. हमारे वालों ने मौका नहीं दिया. ये सबक है इंडियंस के लिए कि हमारा दुश्मन एक है, हमारा दुश्मन एक ही है, तो मिलकर हराएंगे उसको. आखिरी स्टेज की भला नहीं होती, बला. अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं. आज का जो गिफ्ट है, गिफ्ट हैम्पर है टपाल दानेदार की तरफ से. और हमारे पिछले वन ऑफ द फ्यू मैच एपिसोड्स पहले एक विनर थे जिनको वसीम भाई की बॉल मिली, तो सबको है, बताता कोई नहीं है कि मिल गई, शुक्रिया बॉल आ गई, या बंदा तस्वीर खींच ले या टैग कर ले. तो एक भाई का आज थैंक यू आया था, तो जरा बता दिया करें. सवाल ले आए स्क्रीन पे और आज कर देखते हैं हैम्पर कौन जीतता है. सवाल बड़े आसान है और आज ही के टीम्स के रिलेटेड है. हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया बिन इन द आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल. इंडिया ने ओडीआई के कितने वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं. दूसरा सवाल, विच कंट्री अदर देन ऑस्ट्रेलिया हैज वन कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप, यानी एक के बाद एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अलावा वो कौन सी टीम है जिसने जीते हैं. बड़े आसान सवाल हैं ओडीआई वर्ल्ड कप. हाँ, ओडीआई की ही सवाल कर रहे हैं. फोन पकड़ा दे और देखते हैं कौन इसके जवाब देता है. रुमान भाई से मेरा सवाल भी. हाँ जरूर जरूर जरूर. लाए पकड़ा दे, मैं उठा लूंगा. मुझे आता है फोन का जवाब देना. कंसेक्यूटिव वही जीते. हाय फातिमा. हाय. ओके, डू यू हैव एन आंसर फॉर द क्वेश्चंस. यस, आई डू हैव एन आंसर. आई थिंक इट्स बीन इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स 4 टाइम्स. फोर टाइम्स बिल्कुल सही है. और दूसरा जवाब, ऑस्ट्रेलिया के अलावा वो कौन सी टीम है जिसने कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीते हैं. मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो टीम इस ये वाला वर्ल्ड कप नहीं खेली है. हाँ यस करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब फातिमा, बिकॉज ऊपर लिखा हुआ आ रहा है. फातिमा ने जीता है टपाल दानेदार की तरफ से गिफ्ट हैम्पर. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और बिल्कुल सही जवाब, इंडिया ने 4 वर्ल्ड कप के फाइनल खेले, 1983, 2003, 2011 और 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया से हारे थे. ऑस्ट्रेलिया से हारे थे और रिपीट टेलीकास्ट. पॉन्टिंग ने सेंचुरी मारी, 159. एक चीज पूछूंगा, आप क्योंकि जब इंजरी में थे, क्रिकेट के अलावा आपका सोशल वर्क में भी बहुत अहम किरदार है, तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर बताना चाहें और यूथ को भी हमारे अगर मोटिवेट करना चाहें कि हाउ डज दैट इम्पैक्ट एज अ पर्सन. बिल्कुल, मैं यहाँ यूथ को और स्पोर्ट्समैन को दोनों को रिलेट करूँगा क्योंकि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझसे वो काम लिया उस पीरियड ड्यूरिंग कोविड. उसकी रीज़न ये है कि जब आप इंजर्ड होते हैं ना एज ए प्लेयर और जब आप अपनी पीक पे होते हैं तो आप बहुत डाउन हो जाते हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप बैड डिसीजंस की तरफ जा रहे होते हैं. जैसे कि मैं जा रहा था, मैं रिटायरमेंट भी अनाउंस कर रहा था क्योंकि जब डॉक्टर्स की एडवाइसेस सुनी और लोगों के सवालात के यार कब फिट होगा, ये होगा, अब क्योंकि मैं बैक टू बैक इंजरीज में गया, नहीं हुआ बैक हुआ, तो मतलब मैं 2 साल खेला ही नहीं बिल्कुल, घर में बैठ गया. तो उस वक्त मेंटल टफनेस एक इंसान की होना बहुत ज़रूरी है, भले आप स्पोर्ट्समैन है या नहीं है. क्योंकि देखिए, नॉर्मल कोई स्पोर्ट्समैन नहीं भी है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट अल्लाह ना करेगा, कुछ चीज़ हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, आप बहुत डाउन चले जाते हैं. तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस पीरियड में जहाँ मैं फ्रस्ट्रेशन में था, तो वहाँ मुझे अल्लाह ने उस काम में लगा दिया. तो मेरा सारा माइंड का जो डाइवर्जन है वो चला गया अच्छे काम की तरफ और मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया लोगों की खिदमत करने में. और फिर जैसे जैसे मैं लोगों की खिदमत करता चला गया तो मुझे
लोगों से इतना प्यार मिला, लोगों से इतना प्यार मिला, एक पॉजिटिव एनर्जी मिली, फैमिली से सपोर्ट मिली, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया सोशल मीडिया पे एक्स क्रिकेटर्स ने, तो एकदम से मेरी लाइफ चेंज हुई कि यार ठीक है क्रिकेट अभी नहीं है, ये काम अगर हुआ है अल्लाह ने इसका मौका दिया तो ये खुल के करो, इसमें एक्सप्रेस करो अपने आप को। और कमबैक भी, और जब मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट 25-25 किलो के बोरे उठा के गाड़ी में डाले ना, देन आई रियलाइज कि यार अगर मैं 25 किलो का बोरा उठा सकता हूँ तो मैं बॉलिंग क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे एकदम वो चीज क्लिक कर गई, क्योंकि मैं तो झुक नहीं सकता था कमर की वजह से, लेकिन जब मैं अल्लाह की राह में लगा उस वक्त माइंड में कुछ नहीं होता था, क्योंकि लोगों की खिदमत में एक जज्बा ऐसा पैदा हो गया कि नहीं यार करना है, लोग परेशान है। तो सडनली आई रियलाइज कि नहीं, मुझे थोड़ा सा चांस लेना चाहिए अपनी क्रिकेट पर। डॉक्टर्स की एडवाइस एक तरफ करो, थोड़ा सा अपने आप को रीमोटिवेट करो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोशिश करो एक दफ़ा। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी कभी आप किसी चीज़ में फेल हो तो कभी आप ये ना समझो कि आप खत्म हो गए, हमेशा आप उठो, अगले दिन आपका हो सकता है, आपका उससे अगला दिन आपका सोचता है, हर दिन नया होता है। तो आई थिंक वो चीज़ मैंने रियलाइज की, मैंने स्टेप अप किया, मूव फॉरवर्ड हुआ। फिर मेरी फैमिली का मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, मेरे 2-3 ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे मेंटली बहुत टफ रखा, जिसमें मेरे जो ट्रेनर हैं हनीफ मलिक साहब, वो रेहान भाई जो हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर हैं, उन्होंने कभी मुझे मना, मुझे सख्ती से मना करते कि रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करना, नहीं खेलनी क्रिकेट, घर बैठ जाओ। बॉलिंग कोच भी आपको रखा? बिल्कुल, मुझे PSL 6 में इसलिए उन्होंने बॉलिंग कोच रखा क्योंकि उस ड्यूरेशन में मैं इंजर्ड था। तो आई थिंक वो उनका क्रेडिट देता हूँ मैं उनकी सपोर्टिंग मैनेजमेंट का, कि उन्होंने हमेशा मुझे बड़ा सपोर्ट किया है मेरे अप एंड डाउन में। तो ये बड़ा मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बैक ऑफ द माइंड अपने माइंड को आंसर करते हैं तो वैसी आपका रिएक्शन देती है बॉडी, तो ये बहुत जरूरी होता है। मनवीर सिंह कह रहे हैं आई थिंक पाकिस्तान नीड्स कोच लाइक गौतम गंभीर। हाँ, वो जिस पैराए में उन्होंने बात की है ना, हाँ, चाहिए हाँ, मैं बंदा ऐसे हम डंडे से चलने वाले लोग हैं भाई। वैसे आपकी बात कंप्लीट करूंगा कि ऑब्वियसली लोगों की खिदमत करना, लोगों के लिए काम करना, ये भी बहुत थेरेप्यूटिक होता है और इसका अपना एक असर होता है, और जाहिर है लोगों की फिर कितनी सारी दुआएं होती हैं। और जुनेद भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो अल्लाह की तरफ से रूहानी सुकून जो मिलता है ना आपको, यानी मुझे सुकून की नींद आना शुरू हो गई थी, मुझे कोई फिक्र मतलब खत्म हो गई थी, रोजगार खत्म हो गई है, मैं खेल नहीं रहा, मेरे पास पैसे नहीं आ रही, सब चीजें खत्म, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ऐसी आ रही थी लोगों की, जब लोगों के पास राशन पहुंचता था या खाना पहुंचता था या कोई भी चीज पे हम हेल्प करते थे, तो जिस तरह लोग सर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं ना आंसू से भर के, तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है। तो आई थिंक वो चीज मुझे बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग किया उस चीज ने बहुत। और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये काफी डिप्रेसिंग भी हो सकता है, बिल्कुल, कि कहां मैं जो है ना इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ अगेंस्ट और मैं इंजरी की वैसे पीछे रह रहा हूँ, या मैं अब उस वर्ल्ड स्टेज पे नहीं दिख रहा जहाँ मैं 3 साल पहले या 4 साल पहले मैं इतना परफॉर्म कर रहा था। तो एक स्पोर्ट्समैन जो है वो ज्यादा डिप्रेशन में चला। मेरे उस्ताद ने मुझे एक ही बात समझाई है कि लम्हा मौजूद में रहना सीखो, Live in the moment. तो उस चीज को जब मैंने अडॉप्ट किया ना अपने अंदर, तो मुझे ये फिक्र ही खत्म हो गई कि मैंने आगे क्या करना है और पीछे क्या हो गया। तो ये मेरे लिए इतना 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 अच्छी मेरी एक अपने करेक्टर में ये चीज आ गई है कि मैं आज जैसे अभी आपके साथ बैठा तो इंजॉय कर रहा हूँ इंटरव्यू को, आपसे मिल रहा हूँ, खुशी हो रही है, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते, वरना आप कल का सोचो यार क्या होगा, क्या हो गया, ये सब चीजें बेकार है, वो हमारे हाथ में नहीं। ना डिप्रेशन में जाते हैं ना टॉक्सिक होते हैं। यस, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बहुत सारे खिलाड़ी टीम पे जाना चाहते हैं लेकिन नेशनल T20 नहीं खेलना चाहते, क्योंकि वो टीवी पर टॉक्सिक भी होना है फिर होना है। तो आप एज अ क्रिकेटर, एज अ इंसान ही बड़े कीमती हैं, आपने अपनी पॉजिटिविटी बरकरार रखी, लोग नहीं रख पाते। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि जो सेलेक्टर है वो फिर वो PSL भी खेलेगा, वही सेलेक्टर भी है, तो उसको छक्के कौन मारेगा? अब ये तो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अंदर की फिल्म चल रही है, जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है, तो बस वही चीज है। होपफुली कि जब चेंज हो रही है तो बेहतरी के लिए चेंज हो, तो मेरी तो ख्वाहिश यही है। और जहाँ भी पाकिस्तान के लिए कोई भी ऐसा मशवरा, कोई भी चीज हमारे, हम लोग तो हमेशा ऑन रहते हैं कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो, तो ये जरूरी है। अच्छा, क्विकली राउंड अप इसका करते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड कप बड़ा जबरदस्त रहा, आई थिंक इंडिया डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ ग्लोबल इवेंट, मतलब 1.5 अरब बंदा 2 अरब बंदा दुनिया भर में देख रहा है, और एक अच्छा उन्होंने सेटअप रहा, बड़ा जबरदस्त एक वाइब रही, बड़ा अच्छा माहौल रहा, अदर देन द फैक्ट कि वो अहमदाबाद की जो ऑडियंस है वो जरा खामोश हो जाती थी। अदर देन दैट, अगर हम बेंगलुरु देखें, अगर हम ईडन गार्डन देखें, बहुत सपोर्टिव चेन्नई, वेरी सपोर्टिव क्राउड, हैदराबाद। सऊद से बात हुई, वो हम लोग साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने उससे ऐसा एक्सपीरियंस पूछा, क्योंकि जाहिर है बच्चा है हमारा,
उसने नया एक्सपीरियंस किया वर्ल्ड कप मैचेस इवेंट में जाने का. मैंने कहा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ना, तो कह रहा है रूमी भाई आई एम सो सरप्राइज कि वहां पे जो बेंगलोर में जो चेन्नई में जो क्राउड था वो कम्प्लीटली हमें सपोर्ट कर रहा था. आई थिंक ये बहुत अच्छा मैसेज है. हाँ, और उस मतलब हमारे प्लेयर्स को अगर वहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है देखें 10 लोग होते हैं तो 2 कुछ गलत भी बोलते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना पड़ता है. जो कि इंसिडेंट समझ में भी आया था कि यार रिजवान को किसी ने कुछ कह दिया. तो आई थिंक ये सब चीजें चलती रहती है. तो आई थिंक इंडिया ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया और बड़े आइकॉनिक मोमेंट्स इस वर्ल्ड कप में हुए हैं, जैसे मैक्सवेल की इनिंग हो गई, शामी का सेमीफाइनल वाला स्पेल हो गया, रिजवान की जो पाकिस्तान ने हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस किया, रिजवान की इंजरी भी हो गई समटाइम इंजरी मुझसे आप पूछ रहे हैं सर, तो इस वर्ल्ड कप ने एक कॉन्सेप्ट खत्म किया क्रिकेट में, वो है मिनियंस का. कोई टीम कमजोर नहीं थी, ट्रू, कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती थी. नेदरलैंड ने देखें exactly. तो आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा. इस टूर्नामेंट में जो सबसे पॉजिटिव चीज आई है एज ए क्रिकेट फैन वो ये कि अब जो आप कहते थे ना कि 8वें नंबर की 10वें नंबर की 12वें नंबर की टीम किसी को हरा नहीं सकती, एग्जैक्टली बहुत चेंज आ गया, सब इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. नेदरलैंड की प्लानिंग नजर आई है पूरे टूर्नामेंट में. टी20 में तो होता रहता था 50 ओवर में होना बहुत बड़ा. नेदरलैंड की बॉलिंग देखो डिसिप्लिन बॉलिंग, वो कप्तानी कितनी अच्छी है एडवर्ड्स ने. अरे उनकी मैनेजमेंट मैंने देखी है, उनकी मैनेजमेंट में हर बंदा अलग अलग रोल पे बैठा हुआ है जो कि प्लान देता है पूरी टीम को. आई थिंक बहुत अच्छी साइन है एक क्रिकेट फैन के हमें और आगे अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी. बिल्कुल एब्सोल्युटली बड़ा ओवरऑल आई थिंक बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप रहा. प्लस ये कि आज ट्रेविस हेड की इनिंग वंस अगेन आई थिंक दिस विल गो इन द रिकॉर्ड बुक्स. मतलब 45 पे 3 आउट हुए में सब कुछ है, लेकिन उसका जो एक ऑस्ट्रेलियंस की एक जो साइकिल है नॉट दैट इजी. यस, और वो जिस मोमेंटम में खेला उसने शॉट ऑफ सिलेक्शन के जहां स्पिनर ने उसको लूज बॉल छोड़ा ब्रेक के चक्कर में, उसने अपने आर्म्स को एक्सटेंशन इतनी अच्छी दी कि इजीली छक्के कर आ गया. इसी तरह जहां लेंथ थोड़ी सी भी 19-20 हुई तो उसने कट पे भी चौके मारे, पुल्स भी मारी. आई थिंक वो प्लेयर तो है ही खतरनाक क्योंकि हमने उसको देखा है, फास्ट बहुत तेज करता है, तो बहुत ही डोमिनेटिंग प्लेयर है. सो एक अगर क्विक राउंड अप करें पाकिस्तान का, हम फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं, अपकमिंग T20 सीरीज है, फिर आगे टेस्ट सीरीज भी आ रही है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज का फ्यूचर हम ऐसे ही देख रहे हैं, हर टूर्नामेंट में हम दुआएं करेंगे क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, जो रोहन भाई ने बात की, दूसरा प्लानिंग नहीं है, हमें कौन कौन से खिलाड़ी चाहिए, आपके फास्ट बॉलर फिट नहीं है, आपके स्पिनर्स को स्पिन करना नहीं आती, आपके ओपनर्स को इनिंग्स ओपन करना नहीं आता, मिडिल ऑर्डर गिर जाता है, आपको पता नहीं है मोमेंटम क्या चीज होती है, आपको क्रिकेट फेजेस में खेलना नहीं आता है. अगर मैं बाहर बैठा हुआ बंदा इतनी चीजें जानता हूं जो 18-18 लाख रुपए से तनख्वाहें लेते हैं, उनको ये चीजें नहीं पता, अगर पता है फिर भी नहीं कर रहे तो जानबूझ के मस्ती कर रहे हैं. वो चाहते हैं जो एक तफरी मिली है पाकिस्तानी कौम को वो भी ना मिले, हम सब डिप्रेस हो जाए, डिप्रेस होकर हम उनको छोड़ दें ताकि खुले खाएं नहाए नचोड़े जो भी करें कोई को पूछने वाला ना. जहांगीर का आखिरी बस्ता मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा इस चीज़ को क्योंकि देखें सिस्टम का होना सही बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सिस्टम का मसला नहीं है, प्लेयर्स का मसला है, प्लेयर्स कहते हैं प्लेयर हमारा मसला नहीं है सिस्टम का मसला है, लेकिन मैं इस सर्किट में रहता हूं एज ए क्रिकेटर, मुझे पता है हमारे यहाँ स्ट्रक्चर सही होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे यहाँ लोकल जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे से काम शुरू होगा. देखिए आज अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या इंग्लैंड ये सब डोमिनेट कर रही है तो उसके पीछे उनका सिस्टम का हाथ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. हमारा एक फॉर्मेट का जो उनका एक स्ट्रक्चर बना है वो 10-15 साल से चलता हुआ आ रहा है. हम तीन कभी कोई हुकूमत चेंज होती है तो हमारा 6 टीमें हो जाती है, कभी हम 12 टीमों में चले जाते हैं, कभी हम 18 टीमों में चले जाते हैं. Exactly. तो एक स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं है. फिर आप अकाउंटेबल किसको करोगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर्स चाहे नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग का हो कोई भी हो, जिससे अगर आप कोई मैच नहीं जिता के दे रहा आपको, कोई परफॉर्मेंस अगर कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं कर रहा तो आप उसको अकाउंटेबल करें. जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी. नंबर 1 वाली चीजें ना ये हमें खा गए, टीम का. और सबसे बड़ी बात देखें एक जो क्रिकेट गेम है ना, मैं धोनी की एक चीज सुन रहा था कि है इंडिविजुअल टीम स्पोर्ट्स ये, क्योंकि देखें बॉलर जब बॉलिंग कर रहा होता है ना तो वो अकेला भाग रहा होता है, सपोर्टिंग होते हैं बाकी अदर फील्डर्स. बैट्समैन जब बॉलर को फेस कर रहा होता है तो वो उस वक्त अकेला होता है, पार्टनर उसका नॉन सेकंड पे होता है, बट जो सपोर्टिंग टीम होती है ना वो टीम बनाती है. तो आई थिंक ये टीम इस गेम है. यहाँ अगर आप 3 या 4 प्लेयरों की बातें करते रहेंगे, जो कि बीच में गौतम गंभीर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि हमारे यहाँ तो सिर्फ ये होता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली और 2-3 प्लेयरों के नाम लिए जाते हैं तो बाकी लड़के कहाँ गए. तो ये चीजें चेंज होने की बहुत ज्यादा यार का अपना भी दुख है ना बेचारे को कि नहीं उसमें मतलब खिलाड़ी में था सारा फेम जो है धोनी ले गया बिल्कुल ऐसे. तो ये टीम गेम होता है, तो टीम जब बनेगी तो आपके रिजल्ट आएंगे ना. इंडिविजुअल आपको कितना एक आध मैच जिता दे, 10 में से 2 मैच जिता देगा. शाहीन का स्पेल लगेगा वो 10 में से 3 मैचों में जिता देगा, हारिस का 2 मैच जिता देगा. लेकिन जो छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है जो सब चिप इन करते हैं उससे टीम बड़ी ऊपर जाती है. चैंपियन टीम वो होती है जिसमें हर मैच में एक नया मैच विनर है. मैं जनेश भाई क्विकली ये समराइज करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत मुश्किल सीरीज है, आज तक ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में. सर ड्रॉ भी नहीं किया हमने. नहीं ड्रॉ हुए, ड्रॉ हुई है सीरीज, ड्रॉ सीरीज नहीं जीते. आप देखिएगा नहीं है
2 से 3 का तो मुझे याद नहीं, जब से मैं देख रहा हूं 2010 ऑनवर्ड्स नहीं किए, उससे पहले हुई वन ऑल हुआ है, वन ऑल काफी दफा हुआ है, वनडे सीरीज जीता था, बट टेस्ट ड्रॉ हुए जीते नहीं है। अब शान कप्तान है, मैंने 2000 जब मिसबा की कप्तानी खत्म हुई थी तब कहा था कि शान वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, सुपर फिट, गेम अवेयरनेस है, एग्जांपल सेट कर सकता है टीम के लिए, जैसे विराट कोहली ने स्टैंडर्ड सेट किया था एज ए कैप्टन के, फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो आई विश शान ऑल द बेस्ट और उनको टीम भी सपोर्ट करे। ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ दो बातें करूंगा, टेस्ट सीरीज आ रही है, होपफुली ये चीज सुन के आप एक वो करें, हमेशा जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में सब कॉन्टिनेंट टीम्स फंसती हैं वो सिर्फ फंसती है कि हल्का सा बाउंस एक्स्ट्रा होता है, तो जो बॉलिंग लाइनअप है ना, देखिए ऑस्ट्रेलियंस है पोलो कट मारने के शौकीन, उनको पता है अपनी होम कंडीशन का, तो हम क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया का बाउंस देख के थोड़ी सी अपनी लेंथ कर देते हैं पीछे, हम आगे आते ही नहीं है, या तो आगे आपने पूरी भी नहीं करनी और पीछे भी नहीं करनी, तो जो 4.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक की लेंथ है ना वो क्रूशल है, जो कि जॉश हेजलवुड और पैट कमिंग्स वगैरह करते हैं। मैं स्टार्क की बात नहीं करूंगा, स्टार्क स्विंग करने जाता है तो स्टार्क की लेंथ आगे। वेरी क्विकली आपकी चॉइस ऑफ पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए जी, एक टू बी वेरी नसीम शाह बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान को इस वक्त, उस फोर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी जो मैं देख रहा हूँ सर्किट में कोई और ऑप्शन है, मीर हमजा गुड ऑप्शन, क्योंकि शाहीन को आप तीनों का टेस्ट देंगे तो उसको फिर कुछ मसला हो सकता है, तो उसके वर्कलोड को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो T20 का कप्तान भी बन गया, 18 मैच है, यस बिल्कुल ऐसा ही है, तो आई थिंक मीर हमजा इज अ गुड ऑप्शन। उसके साथ साथ हारिस रोफ पेस है, लेकिन उसके ऊपर काम करें जो कोचेज है हमारे, उसको बताएं कि भाई टेस्ट क्रिकेट की लेंथ ये होती है, ठीक है आपने 4 डे नहीं खेली, लेकिन आप ये रिसेंटली आप वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हो और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है बिग बैश का, तो उसको आइडिया भी है कि यार कहाँ से, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट थोड़ा पेशेंस वाली क्रिकेट होती है, एज ए बॉलर आपको कंसिस्टेंटली बैट्समैन के साथ खेलना पड़ता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है। देखिए ऑप्शन नजर नहीं आ रहे बॉस, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बात करें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आरिफ रऊफ को ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज से पहले 1 महीने ना इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करवाएं, पेशेंस आ जाएगा। दूसरा हमने सब बॉलर्स की बात कर ली ना, अगर हम देखें आखिरी टीम ऑस्ट्रेलिया में कौन जीती थी, इंडिया जीती, इंडिया की जीत का एक्स फैक्टर कौन था, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत चढ़ के खेला उन पे, अगर आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन है जो उन पे चढ़ के खेल सकता है तो आप और कम करेंगे, पर शान खेला बताएगा श्रीलंकन सीरीज में, शान नहीं, शान ने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, क्योंकि मैं शान के साथ पर्सनली ट्रेनिंग करता हूं, उसने अपने गोल सेट किए हैं, उसको पता है कि अब क्रिकेट वो नहीं रही कि टेस्ट क्रिकेट में आप 70 या 60 रन की स्ट्राइक रेट से खेलो, एटलीस्ट आपको 80+ स्ट्राइक रेट से रोटेट करना है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड ने ये चीज सेट कर दी है, ऑस्ट्रेलियंस ने ये चीज सेट कर दी है, अब 400 रन वो पहले दिन में बना देते हैं सर, यानी जो टेस्ट मैच 5 दिन तक चला था वो 3.5 दिन में खत्म हो जाता है। इंग्लिश सेकंड डिवीजन का एक काउंटी लोअर टेयर है, उसका रिकॉर्ड है जो एलिस्टर कुक के साथ बराबर किया, वो शान मसूद का है, मोस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर, वाओ, दैट इज फ्रॉम शान मसूद, ही इज अ बिग प्लेयर। 2-3 सालों से उसने अपने पर बहुत काम किया, अपने उसने शॉट्स एंगल्स बनाए हैं, फिटनेस तो उसकी नो डाउट पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी है, और मेंटली बहुत टफ है, स्मार्ट क्रिकेटर है, पता है कि यार कैसे रन निकालने, डिसिप्लिन बहुत है अपने रूटीन से, उसका तो ये हाल है जुनेद भाई कि वो अगर कोई टूर से फ्लाइट से आया है और अगर फ्लाइट पाकिस्तान लैंड हो रही है फॉर एग्जाम्पल 6:30-7 बजे तो उसकी एक सीधा स्ट्रेट अवे गाड़ी जाएगी उसकी नेट पे, वो ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग करने के बाद जाकर रेस्ट करेगा, बस वो कोशिश मैंने अपनी आंखों से देखा है, आसिफ अली की तरह सारे छक्के नेट भी ना मारे, नहीं रखे, मैं उस वक्त सन को देख रहा हूं जब उनका फर्स्ट क्लास में एचबीएल सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, एचबीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ था उस वक्त से देख रहा हूं, तो आई वेब आपने देखा होगा सर, आपने किसको नहीं देखा सर, आपके लिए ये गिफ्ट है टपाल दानेदार की तरफ से, थैंक यू सो मच विनीत भाई, चाय के फैन हैं, यस यस चाय तो कुछ है तो ये आप साथ लेके जाएगा। कंक्लूड करते हैं शो को, और आज वाकई लगा, देखिए ये डिफरेंट, हमारे जो ओवरऑल गेस्ट रहे ज्यादातर यूट्यूबर्स रहे या टीवी आर्टिस्ट रहे, आज क्रिकेटर आया ना तो आज कॉन्वर्जेशन ही अलग हुई, एनवायरनमेंट ही अलग था, और जाहिर है आपकी एनर्जी माशाल्लाह इतनी जबरदस्त है कि बड़ा अच्छा फीडबैक भी, मैं बार बार वही पढ़ रहा था, बहुत अच्छा फीडबैक आया, थैंक यू सो मच, ज्वाइन किया मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी सारी इनसाइट से आगाह करते रहे, और उमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, यू ऑलवेज बिन वेरी कर्टियस, और उमर जो है इज लाइक वेरी डेडिकेटेड, अबे दिन में 6 शो करता है, अभी ये जाके फिर ये सुबह 4 बजे तक शो कर रहा होगा क्रिकेट शो, और अभी ये देखा और अभी ये अपना रेडियो शो बिल्कुल छोड़ गया है, बिकॉज ऑब्वियसली मैच एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत जल्दी खत्म हो गया, सो थैंक यू फॉर थ्रू एंड ऑफ कोर्स टपाल दानेदार का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी ट्रांसमिशन का, हमें सपोर्ट करने का, मूसा नॉर्मली यहाँ पे होते हैं ग्रुप एम की तरफ से, और नवीरा और जितने भी टीम मेंबर्स हैं टपाल के, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और खासतौर पर आप सबका शुक्रिया जितने हमारे फैन
फैंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, भारत से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, या दुनिया भर में कहीं भी मौजूद हो, आप सबने इतने मैसेजेस किए, इतने कमेंट किए, इतनी मोहब्बत दी, कॉल्स की, इनामात जीते, तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. कंग्रेचुलेशन टू फातिमा फॉर विनिंग द गिफ्ट हैम्पर टुडे. और इंशाल्लाह आप सब लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मे बी इन PSL. तब तक के लिए ख्याल रखिएगा. और मैं आ रहा हूँ अबू धाबी इंशाल्लाह, वहाँ पे भी जितने फैंस अबू धाबी में मौजूद हैं, आई एम गोना बी देयर थ्रू आउट द टूर्नामेंट. तो 15-16 दिन का स्पेल है, तो हल्ली हल्ली फुल रोहन भाई के साथ पार्टी करेंगे, तो एंजॉय करेंगे भाई. लश्पश सीन होने वाले, सो बंगला टाइगर्स की तरफ से यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम मी फॉर बंगला टाइगर्स. सो लेट्स सी. शकीब उल हसन को मैं जाती बोलूंगा भाई. टाइम आउट हो गया भाई, टाइम आउट हमारा भी हो गया. आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़.